मोस्ट वेलकम टू यूट्यूब ऑनलाइन क्लासेस। आज हम बात करेंगे यमुना नदी तंत्र, उत्तर प्रदेश में यमुना नदी तंत्र, उत्तर प्रदेश में यमुना नदी का बहाव कहां से है, किस तरीके से है। इससे पहले हम उत्तरांचल यमुना नदी तंत्र की बात कर चुके हैं, तो इसमें हम बात करते हैं कि जो यमुना नदी है उसका ओरिजिन गंगा के पास, जहां से गंगा का गंगोत्री का ओरिजिन हुआ है, उसी के पास एक दूसरी पर्वतमाला है। तो वहां पर एक जगह है जो ग्लेशियर्स है, बंदर पूंछ। तो बंदर पूंछ जो पर्वतमाला है, जो जगह है, वहां पर देखा जाए जो वहां पर जो पर्वत है, पहाड़ियों का जो बनावट है, वो बंदर की पूंछ जैसा है, जिसके नाम से पड़ा है बंदर पूंछ। और बंदर पूंछ से ही वहां पर एक ग्लेशियर है, यमुनोत्री ग्लेशियर, वहीं से ये ओरिजिनेट हुई है उत्तराखंड के उत्तरकाशी डिस्ट्रिक्ट से। तो देखा जाए जो ये नदी है, बेसिकली उत्तराखंड के बाद ये हिमाचल में भी कुछ जगह बहती है। हिमाचल का सिरमौर जगह है जहां पर ये हिमाचल के एरिया में बहती है, और वहां से बहने के बाद फिर उत्तर प्रदेश में, उत्तराखंड के बाद उत्तर प्रदेश में सहारनपुर डिस्ट्रिक्ट में फैजाबाद गांव है, जहां ये उत्तर प्रदेश के बॉर्डर में इंटर करती है। उसके बाद उत्तर प्रदेश के बाद दिल्ली, इसके जो पहला शहर है उत्तर प्रदेश में एंट्री करने के बाद सहारनपुर के बाद, वो हमारा दिल्ली है। दिल्ली के बाद आगरा, आगरा के बाद देखा जाए तो हमीरपुर, इटावा, और इटावा के बाद प्रयाग में आकर यहां पर नदी गंगा में मिल जाती है। तो देखा जाए जो यमुना नदी है उसका पूरा बहाव जो है, पूरा जो एरिया है, उसकी जो रनिंग है, जो दूरी तय करती है, वो 1376 किलोमीटर की दूरी जो है वो यमुनोत्री से प्रयागराज तक की दूरी तय करती है। तो देखा जाए कि बहाव के अनुसार और लंबाई के अनुसार यमुना जो है गंगा की दूसरी सबसे बड़ी, मतलब गंगा की सबसे बड़ी सहायक नदी है जो निकली हुई है, हिमालय से निकली हुई है। अब इस नदी में देखा जाए कि नोएडा के पास गंगा और यमुना के बीच में निकलने वाली नदी है हिंडन नदी, जो आकर दिल्ली के नीचे नोएडा में मिलती है। और नोएडा के बाद देखा जाए चंबल नदी है, जो मध्य प्रदेश के जो फॉरेस्ट हैं, मध्य प्रदेश का जो हिल एरिया है, मध्य प्रदेश राजस्थान, तो वहां से निकलने वाली नदियां जो हैं वो आकर यमुना नदी में मिलती है। तो यमुना नदी के जो दाहिनी ओर से नदियां मिलती हैं उसमें बेसिकली कौन सी हैं, चंबल, सिंधु, बेतवा, केन, ये नदियां जो हैं विंध्याचल पर्वत श्रेणी जो है उससे निकली हुई हैं, और उसी उन नदियों के द्वारा इनमें इनको वाटर जो है सप्लाई होता है। अब इसमें देखा जाए जो चंबल नदी है, इसमें चंबल की सहायक नदी जो है जो अरावली हिल से निकली हुई है और दूसरी है जो आपके चंबल में मिलती है, तो उसमें कई नदियां ऐसी हैं, इनमें सहायक नदियां हैं जिनमें बरसात की सीजन, बरसात काल में ही पानी होता, बाकी में सूखा रहता है। तो बेसिकली देखा जाए यमुना की जो सहायक नदियां हैं उनमें चंबल, सिंधु, बेतवा और केन नदी जो है वो है, और अगर बाई ओर से देखी जाए तो हिंडन नदी है जो आकर यमुना नदी में मिलती है। अब अगर देखा जाए यहां पर तो नोएडा में, दिल्ली में आने के बाद सहारनपुर पर जब दिल्ली में आती है ये, तो दिल्ली में बैराज बनता है, तो वजीराबाद, और वजीरा के बाद दिल्ली के आगे ओखला जगह है वहां पर बैराज बनता है, और उसके बाद चंबल में, और चंबल के बाद इलाहाबाद में इसका बाटर जो है वो फ्लुएंस बनाया जाता है। अब इसमें देखें कि जहां यमुनोत्री ओरिजिन होने के बाद पहला बार जो तेज वाला बैराज बनता है, तेज वाला का वजीराबाद बनता है, फिर चंबल और गंगा नदी पर इसको वाटर फ्लुएंस का निर्माण किया जाता है जिससे कि सिंचाई होती है। तो अगर देखा जाए कि जो यमुना का वाटर है, तो यमुना का वाटर जो कैचमेंट एरिया है जहां से पानी मिलता है, तो उसमें कौन कौन से स्टेट है, उसमें उत्तराखंड हमारा है, उत्तर प्रदेश है, हिमाचल प्रदेश है, हरियाणा है, राजस्थान है, एमपी है और दिल्ली है, जो इस एरिया, जो एरिया है वो कैचमेंट एरिया है जहां से यमुना को वाटर सप्लाई मिलती है, यमुना
को वाटर मिलता है और उस एरिया को सिंचित भी करते हैं। यमुना से नहरें भी निकाली गई हैं जिनसे सिंचाई एरिया होता है। आप देखेंगे कि जो यमुना नदी है बेसिकली उसके किनारे कौन कौन से नगर बसे हुए हैं, तो यमुना नदी के किनारे देखा जाए दिल्ली बसा हुआ सबसे पहले, आगरा, इटावा, कालपी, हमीरपुर और प्रयाग, ये मुख्य शहर है जो यमुना नदी के तट पर बसे हुए हैं। इन शहरों को इसकी यहाँ पर पाई जाने एग्रीकल्चर उसको सप्लाई होती है। और अब कौन कौन से स्टेट है जहां पर नदी बह के आती है, उसमें उत्तराखंड है, हिमाचल प्रदेश है, उत्तर प्रदेश, दिल्ली, हरियाणा, इन स्टेटों में जो है वो हमारी यमुना नदी बहती है। और यमुना नदी जो टोटल है वो 19 जिलों से होकर गुजरती है। टोटल जो जिले हैं 19 जिलों से होकर जो है वो अपनी पूरी यात्रा कंप्लीट करती है। तो देखा जाए जो यमुना नदी है, जो गंगा नदी की सहायक नदी है, और गंगा नदी जो है ये दोनों मिलकर गंगा यमुना दुआब का निर्माण करते हैं, जिसको जो हमारा पूरा जो है लैंड फर्टाइल लैंड है, ये गंगा का बेसिन है, ये यमुना का बेसिन है, दोनों मिलकर बहुत बड़े एरिया को सिंचित करते हैं। देखा जाए कंप्लीट यूपी को सिंचित करती है, वाटर उन्हें सप्लाई मिलती भी सारी नदियों से है और उनका वाटर एग्रीकल्चर के लिए पीने के लिए यूज होता है। तो देखा जाए कि इस तरीके से जो हमारा देखा जाए यमुना भी जो है इम्पोर्टेंट नदी है, जिससे यमुना नदी हम बात करते हैं, जब यमुना नदी सहारनपुर में इंटर करती है तो यमुना नदी जो है जो वजीराबाद बैराज है वहां तक यमुना का वाटर पीने योग्य होता है, अच्छा होता है, बहुत अच्छा होता है। और उसके बाद वजीराबाद और ओखला के बीच में दिल्ली से निकलने वाले कई नाले इसमें गिरते हैं जो वाटर को पॉल्यूटेड करते हैं, जिससे वाटर पॉल्यूटेड हो जाता है। और उसके बाद देखा जाए यमुना इस समय सबसे पॉल्यूटेड नदी है, उसका पानी काला है। अब यहाँ पर कालंदी जगह है, कालंदी का नाम रखा गया है, तो यमुना नदी को सूर्य पुत्री भी कहा जाता है, कालंदी भी कहा जाता है, कालंदी को चुका जाता है, कालंदी नाम रखा जाता है, तो यमुना भी कई सारे नाम है जो रखा जाता है। और इसके पास में ही जो हमारा देखा जाए आगरा के बाद मथुरा जगह पड़ती है, तो मथुरा और वृंदावन का एरिया जो है यमुना से वहां से सांस्कृतिक रूप से जुड़ा हुआ है। जो कृष्ण की लीला है, जो पूरा ब्रज प्रांत है, ब्रज की संस्कृति जो है वो यमुना पर ही आधारित है, यमुना पे ही, यमुना से ही रिलेटेड, यमुना से ही जुड़ी हुई है। आगरा में ताजमहल बना हुआ है, यमुना के किनारे बना हुआ है। अब ये नदी जो है इसका बहाव कम रहता है लेकिन इसका पानी काला हो जाता है, एक तो पॉल्यूशन की वजह से, काला पानी होने के कारण ही इसको कालंदी भी कहा जाता है। और ये नदी जाकर यहाँ पर गंगा में मिल जाती है। तो प्रयागराज में एक तरफ से गंगा का पानी होता है, एक तरफ से यमुना का पानी होता है, दोनों का मिलन होता है, तो वहां पर एक जगह बनती है जिसे कहा जाता है प्रयागराज या त्रिवेणी। तो वहां पर देखा जाए उसे तीर्थराज कहते हैं, प्रयाग तीर्थराज एक है, तीर्थराज, तीर्थराज संगम कहलाता है। तो यहां पर कुंभ का मेला भी लगता है, कुंभ और महाकुंभ लगता है 12 वर्ष में। तो देखा जाए हरिद्वार में भी कुंभ लगता है, और ये तो देखा जाए एक तरफ से देहरादून के गंगा नदी बहती है और दूसरी तरफ से देखा जाए जो यमुना नदी बहती है, यमुना नदी और गंगा नदी मिलकर द्वाब बनाते हैं। उसी तरीके देखा जाए वाटर सिस्टम है इंडिया में, वाटर सिस्टम है वो जो हमारा ब्रह्म नदी सिस्टम है वो 3 भागों में बटा हुआ है। मध्य में गंगा यमुना है, उसके बाद दूसरा सिस्टम जो है अगला नेक्स्ट वीडियो पढ़ाएंगे वो नदी तंत्र हमारा है सिंधु नदी तंत्र, और तीसरा नदी तंत्र हमारा है ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र। तो इस तरीके से देखा जाए सिंधु नदी और गंगा नदी का जो है वो पूरी तरीके से नॉर्थ इंडिया में जो प्लेन्स का निर्माण हुआ है, वो चाहे पंजाब हो, यूपी हो, हरियाणा हो, उत्तर प्रदेश हो, तो यहाँ जो मैदान बने हैं वो उन्हीं जो पहाड़ी नदियों के साथ जो मिट्टी कट के आई है, जो वहां पर जलोढ़ मिट्टी आई है, वहां से उन्हीं मिट्टी से जो नदियों के साथ मिट्टी आई है उन्हीं से गंगा यमुना का, और देखा जाए अरावली हिल्स के इधर का सिंधु का एरिया है वहां से मैदान का निर्माण हुआ है। और जो मैदान में मिट्टी आई है उसके साथ पहाड़ों पे मिनरल्स हैं, बहुत सारी चीजें, तो ये मिट्टी जो हमारा जो गंगा यमुना का द्वाब है ये सबसे फर्टाइल एरिया है। इस एरिया में गेहूं, धान और गन्ने की
फसल बहुतायत में होती है, कैश क्रॉप होती है। इसके अलावा बहुत सारी और दूसरी फसलें हैं, मक्का है, बहुत सारी सब्जियां होती हैं, फ्रूट्स की भी खेती होती है, और बहुत सारा देखा जाए यहाँ पर फिशिज पालन भी होता है, नौकायन भी होता है। तो इस तरीके से देखा जाए जो नदियाँ हैं वो उत्तर प्रदेश में बहुत इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करती हैं, सिंचाई में भी, मैदान बनाने में भी, एग्रीकल्चर में भी, और क्लाइमेट्स के बेस पे बहुत इम्पॉर्टेंट नदियाँ हैं जो कि बहुत यूजफुल हैं। अब देखा जाए इसमें सबसे बड़ी बात है कि जो नदी निकली है वो बंदरपुर से निकली है 10,804 फीट ऊंचाई पर या 3,293 मीटर की ऊंचाई पर, और कुल बहाव इसका कितना है 1,376 मीटर की ऊंचाई पर है। निकलने वाली जगह क्या है, बंदरपूछ यमुनोत्री से निकली ग्लेशियर, यमुनोत्री ग्लेशियर से निकली है। ये उत्तरकाशी डिस्ट्रिक्ट में पाया जाता है, और ये नदी जो है उत्तर प्रदेश में फैजाबाद, सहारनपुर का गांव और फैजाबाद से यहाँ इंटर करती है। उसके बाद ये वहां कुछ समय बैठने के बाद ये दिल्ली और दिल्ली से फिर उत्तर प्रदेश में दक्षिणावर्त होकर इंटर करती है, और उसके बाद ये पूरब की ओर मुड़ जाती है, तो एक लंबा चाप ये बनाती है, और इलाहाबाद में जाकर या प्रयाग में जाकर वहां गंगा नदी में मिल जाती है, जिससे गंगा नदी में पानी बढ़ जाता है, उसका चौड़ाई बढ़ जाती है। इस तरीके से जो है एक सहायक नदी है, इंपॉर्टेंट यमुना नदी है जो कि गंगा के पैरेलल फ्लो करती है।